कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इसने सीढ़ियां बहुत नीचे से चढ़नी शुरू की थी। मुझे गर्व है देव पर, आज इसके पास सब कुछ है, पर एक ऐसा भी वक्त था जब अगले महीने का मकान का किराया, ये सब कैसे कहां से आएगा कुछ पता नहीं था। आप तो आपके पेरेंट्स के लाए हुए अमेरिकन टॉय से खेलते होंगे, हम जैसे मिडिल क्लास बच्चों की तरफ पिचकारी के लिए जिद नहीं करते होंगे। आप तो यूरोप ट्रिप के लिए जिद करते होंगे। आई विश मिस्टर दीक्षित कि आपने रियल लाइफ देखी होती, कभी मिट्टी में खेल के देखा होता, कभी बारिश में नाव तैराई होती, कभी बस से स्कूल गए होते, कभी टफ लाइफ देखी होती। सोना तुम ही एक बोका, यू आर अ कंप्लीट इडियट। किसी को जानने से पहले उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। मिस्टर अबुद्र के बारे में सोच रही है ना? मैं मिस्टर अबुद्र के बारे में क्यों सोचूं? क्योंकि तू हमेशा उसी के बारे में सोचती है। मिस्टर अबुद्र ने ये किया, मिस्टर अबुद्र ने वो किया, उसको बात करने की तमीज नहीं है, उसमें एटिकेट्स नहीं है, उसका गुस्सा तो हो गया हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुन, कल जाना है। हाँ अभी नहीं है माँ, प्लीज अभी नहीं, कल जाना है। माँ अब जाओ, मुझे काम करने। पहले तू मुझे बोल के तू जाएगी। तू जाएगी सोना, डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? पहले प्रॉमिस करके तू जाएगी। ओके माँ मैं जाऊंगी। गुड कर। लेकिन जाना कहाँ है? कुशल रॉय से मिलने। व्हाट? नो वे माँ। अरे अब तो तूने प्रॉमिस कर दिया है, अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने प्रॉमिस नहीं किया, आपने प्रॉमिस चुराया। मुझे क्या पता था उसे मिलने जाना है? अब तो पता चल गया है ना सोना, मैंने हाँ कर दी है, प्लीज। अरे इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ कॉफी पीने जाना है, कोई फेरे नहीं हो रहे हैं। ओनली कॉफी? सिर्फ कॉफी। ओके सोना में। Come in. वो होली पे मैंने आपकी शर्ट खराब की तो इसलिए। नो नहीं। हाँ? नहीं चाहिए। प्लीज ले लीजिए ना, वरना आपकी शर्ट खराब करने का गिल्ट रहेगा। वैसे भी बड़ा गिल्ट है कि मैंने आपको गलत समझा, वरना आज तक मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, मेरी माँ ने सिखाया। आपने शर्ट एक्सेप्ट कर ली? हाँ। एक बार देख तो लेते। देख ली मैंने। तो ठीक है, बताइए शर्ट का कलर क्या है? व्हाइट कलर। तुम ही मिस्टर बोद्रो इतना शुद्ध हो? फिर से बंगाली में बात कर रही हैं। क्या कहा आप? मैं क्यों बताऊं? एक तो मैंने आपके बारे में सोचा। यही तो होना बाकी रह गया अब रिश्तेदारी में। तुम्हें यहाँ मेरी माँ की सेहत का ध्यान रखने के लिए रखा गया है, मेरे बारे में सोचने के लिए नहीं। भाभी क्या हुआ? ये पूछे जीजी कि क्या नहीं हुआ है। मेरे विकी ने छोटे भाई होने के सारे फर्ज निभाए, देव की हर बात मानी, लेकिन देव की बारी आई ना फर्ज निभाने की, तो उसने तो सीधा पल्ला ही झाड़ लिया। मतलब? मतलब ये कि विक्की से जरा सी गलती हो गई जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन में था। अरे देव वहाँ गया तो, पर वहाँ जाकर उसने विक्की को छुड़ाने के बजाय पुलिस वालों से कहता है कि इसे रात भर यही रखो। आप ही बताइए अपने भाई के साथ कोई ऐसा करता है क्या? देव बेटा तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे विक्की की फिक्र। फिक्र इसे कहते हैं तो दुश्मनी किसे कहते हैं? जब बच्चे गलती करते हैं और उस गलती की उन्हें सजा ना मिले, वो बिगड़ जाते हैं। अरे इतनी चिंता है ना तो घर लाकर सजा देता खुद उसे। आप ही बताइए जीजी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? नहीं भाभी, देव मामी सही कह रही है, यू बाहर वालों के रहम पर छोड़ने का क्या मतलब है बेटा? विक्की गलती सब करते हैं, पर उस गलती का एहसास होना, उसके लिए माफी मांगना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम में वो हिम्मत हो। तू सही काम करेगा तो मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा, तुझसे कोई बैर नहीं है मेरा। अरे ऐसे महल जैसे घर में रहकर ना ज्ञान की गंगा कोई भी बहा सकता है, जिसे थाने में रहना पड़े ना उसके दिल से पूछो।
देखा देखा भाभी आप प्लीज अपनी मामी तक का लिहाज नहीं किया इसने कि छोटे भाई से सॉरी कह दे हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है चल खड़ा क्या है यहाँ पर अब चल और बेइज्जती कराएगा क्या मेरी यहाँ पर भाभी ये खा के कैसा लगा अबे लटपटा था क्या कम तीखा था अबे अरे ये क्या कर रहे हैं आप छोड़िए इसे शराब पी के गाड़ी चलाएगा अबे अरे दिल्ली की सड़कों में मौत घूमती है मौत और तू शराब पी के गाड़ी चलाएगा शर्म कर वो भी आप कुछ बोलते क्यों नहीं है ये क्या कर रहे हैं आप अरे सबके सब मेरे बच्चे के पीछे पड़े वहां देव ने सही किया एक रात नहीं पुलिस को पूरे एक महीने अंदर रखना था इसको अच्छा विक्की बेटा तू अंदर चल चल क्या हो गया आपको जब रिटायर हुए थे तो दिमाग भी ऑफिस में छोड़ आए थे क्या अरे कोई ऐसे मारता है अपने बच्चे को जब देखो बस देव की जय जयकार अपने बच्चे को फटकार आप दोनों मामा भांजे ना मेरे बेटे की कुंडली में राहु केतु है आप दोनों से बचाने के लिए मुझे हवन करवाना पड़ेगा क्या करूं इन दोनों का यार किचू भैया आज से ये ऑर्गेनिक हल्दी यूज होगी ठीक है जी और आज एक नया सूप बनेगा जी दीदी और सैलेड्स फ्रेश काट के सर्व करना फ्रिज में मत रखना किचू भैया एक ग्लास पानी पिलाओ जल्दी मिस्टर दीक्षित आई एम सॉरी मैं आपको पैसों के पीछे पागल मनी माइंडेड न जाने क्या कुछ नहीं सोचती थी मुझे आपकी बैक स्टोरी नहीं मालूम थी लेकिन कल आपके सर के बातों से इट्स ओके आप एक बहुत अच्छे बेटे हैं आपने अपनी माँ के लिए क्या कुछ नहीं किया आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को तो बोझ समझते हैं उन्हें ओल्ड एज होम भेजते हैं लेकिन आपने अपनी माँ के लिए इतना बड़ा घर बनाया उनके हर सपने को पूरा किया आपके इंटेंशंस हमेशा से ही अच्छे हैं पर आप सही काम भी गलत तरीके से करते हैं आपको अपनी माँ के लिए एक बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए थी तो आपने मेरी जॉब छुड़वा दी रिमेम्बर अभी भी आपके कजिन के साथ आपके इंटेंशंस अच्छे हैं उन्हें सबक सिखाना है उन्हें सही रास्ते पर लाना है लेकिन आप उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो आपकी माँ सही कह रही थी कि आपको उन्हें घर बुलाकर खुद समझाना चाहिए आपको मेरे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है दैट्स नॉट योर जॉब आई नो मैं तो बस कह रही थी कि आप एक कॉन्ट्रडिक्टरी आदमी हैं एक पल में ऐसे तो दूसरे पल में वैसे आप समझ में ही नहीं आते आपको समझने की जरूरत भी नहीं है अगर आप माँ की न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होती ना तो अभी निकाल देता आपको पर आप ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि आपने इतनी मेहनत जो की है मुझे यहाँ लाने में निकी आज ना मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे है तो मुझे ऐसा एक्साइटमेंट हो रहा है जैसे स्कूल के फर्स्ट डे में हुआ था लेकिन फर्स्ट डे ऑफ स्कूल तब रोते रोते रिक्शा से लौट आए थे ना आज तो ऐसा नहीं करोगे ना मम्मा मम्मा मुझे ऑफिस नहीं जाना चुप कर सब देखो चिढ़ाती रहती है कम से कम आधी छुट्टी तक तो रुकेगी ना आधी छुट्टी आधी छुट्टी साउंड सो फनी माँ कहाँ है भूल गई क्या रिया का पहला दिन है रिया रिया बेटा ये ले तेरे लिए टिफिन पता है टिफिन में मैंने सूजी का हलवा पैक किया है तुझे पसंद है ना अरे वो किचू को मैंने दही लाने के लिए बोला था जरा देख तो दही ला रहा है कि नहीं दही खिलाकर ही भेजूंगी माँ आपको पता है ना मैं फुल फैट दही नहीं खाती लड़के से मिलने जा रही है बाबा दही तो खा के जाना पड़ेगा ना और हाँ जॉय की शादी में जो साड़ी पहनी थी ना वो पहन ले प्लीज माँ मैं शादी में थोड़ी ना जा रही हूँ जो साड़ी पहनू कुछ भी पहने लेकिन काली मंदिर होके जाना है ओके डैडी हाँ सुन ऑफिस के सामने हनुमान जी का मंदिर है ना वहाँ मत्था जरूर टेकना और ये कपड़े क्यों पहने तूने वो नया चंदेरी सूट पहनना था ना माँ वो ऑफिस जा रही है शादी के लिए लड़का देखने नहीं और ऑफिस के कुछ रूल्स होते हैं तो रिया सबसे पहले मैं तुम्हें ऑफिस के रूल्स बताता हूँ लड़का देखने के रूल्स हाँ
पांच फीट दूरी रहना। अब क्या मैं मेजरिंग टेप लेके जाऊँ? तुम ही जानो। और हाँ, हाथ नहीं मिलाना है, दूर से ही। नमस्कार। What is this? भाई दूरी रखनी है तो फिर फोन पे ही बात कर लो। और क्या? वीडियो कॉल कर और लड़का देख ले। Shut up. इन रूल्स को सीरियसली मानना जरूरी है। रूल नंबर वन, ऑफिस में तू मेरी बहन नहीं। हे? मतलब? मतलब मैं ऑफिस के बाकी सब एम्प्लॉयज की तरह ही तुझे ट्रीट करूंगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। रूल नंबर टू, ऑफिस की बात घर पे नहीं होगी। रूल नंबर थ्री, सारे रूल्स याद हो गए। 5 फीट की दूरी मेंटेन करूंगी, ज्यादा इंटेलिजेंट बातें नहीं करूंगी। करेक्ट। लड़के इंटेलिजेंट लड़की से डरते हैं। ओहो, तभी मैं सोचूं, सोना मैं तुम्हारी मम्मी से डरता क्यों नहीं? मैं जोर से नहीं हंसूंगी, मैं हल्का स्माइल दूंगी, ऐसे। मैं खुद नंबर नहीं मांगूंगी, लेकिन अगर वो मांगेगा तो मना भी नहीं करूंगी। मैं अपनी अपनी नहीं कहूंगी, उनकी भी सुनूंगी। अभी हो गए सारे रूल, की और रूल्स बाकी है। और आखिरी रूल, ऑफिस में पूरी मेहनत से काम करें। जी भैया। कोई सवाल? नहीं। रिया, ये लैपटॉप बैग तेरे लिए। थैंक यू भी, थैंक यू। और हाँ, ऑफिस से लौटकर मुझे एक एक चीज बताना कि ऑफिस में क्या क्या होता है। मैं खुद तो ये जिंदगी जी नहीं पाऊंगी, तो तेरी नजरों से दुनिया देख लूंगी। ठीक, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जिस लड़की को इंग्लिश तक ना आती हो, वो जिंदगी में कर ही क्या सकती है। रिया, रिया बेटा, ये गणेश जी की मूर्ति तेरे लिए, ऑफिस में अपने मेज पर रख देना। बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति मैंने इसे भी दी थी इसके ऑफिस के पहले दिन, पर क्या किया इसने याद है? एक दिन मेरा मान रखने के लिए रख ली और दूसरे दिन फिर से पूजा घर में रख दी। तू ऐसे मत करना, ये तो बस माँ को परेशान करता है। चलो आज के दिन की मेमोरी के लिए एक सेल्फी हो जाए। फोटोग्राफर को बुला के खींचवा लो सेल्फी, खुद खींचने से सही नहीं आती सेल्फी। दादी, मैं लड़के से मिलने जा रही हूँ, जंग पे नहीं। ऑफिस जा रही है, जंग पे नहीं जा रही है। जो अकेली नहीं जा सकती, आज मेरे साथ आएगी, कल से अकेली जाएगी। ठीक है, चल रही है, देर हो रही है। अच्छा करना है। चल देना। बाय दी, ऑल द बेस्ट। सोना, प्लीज टाइम पे पहुंच जाना बेटा। अगर मिस्टर ओबोद्रो ने जल्दी निकलने दिया तो पहुंच जाऊंगी। डोंट वरी मॉम, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। मिस रिया है हमारी न्यू इंटर्न, इन्हें सेल्स डिपार्टमेंट में ले जाओ और मिस्टर धवन से भी इंट्रोड्यूस करवा देना। ओके सर, चले। मिस रिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रिया, आराम से। सॉरी सर। बी केयरफुल। नेहा, मैंने शाम के लिए एक लिस्ट बनाई है जो मैंने फ्रिज पे लगा दिया है। आप किचू भैया से कहेंगे कि ये लिस्ट फॉलो करें प्लीज। आप कहीं जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय सोनाक्षी, कुशल बोल रहा हूँ। ओह हाय, हाउ आर यू? अच्छा हूँ, एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ, फाइनली तुम सब मिल पाऊंगा। एक्चुअली उस दिन के लिए सॉरी, आपके पेरेंट्स। इट्स ओके, आई नो थोड़े नाराज थे, पर मैंने उनको समझा दिया था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो इट्स ओके, थैंक्स। वैसे सोनाक्षी, कितनी अच्छी बात है ना कि हम उस टाइम पे नहीं मिल रहे जब लोग एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलने के लिए हाथ में रेड रोज लेके आते थे। आई नो, वरना हम आज एक दूसरे से पूछते कि कौन से कलर के कपड़े पहन के आए। सोनाक्षी, तुम्हारी जो डीपी है ना, दैट इज सुपर क्यूट। थैंक्स। एक्चुअली कुशल, मैं काम पे हूँ तो। ऑलराइट, यस, मैं तुम्हें लोकेशन टेक्स्ट कर देता हूँ एंड देन आई विल सी यू। बाय। नेहा, मैं बॉयफ्रेंड।
नहीं, एक्चुअली मेरी माँ एक महीने से पीछे पड़ी है कि मैं इनसे मिल लूँ, तो मैं इनसे मिलने आज जा रही हूँ पहली बार. सच? हाँ, क्यों? मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप और अरेंज मैरिज. मेरा मतलब कि आप नौकरी करती हैं, इतनी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है और इतनी सुंदर भी है, फिर भी आप अपनी माँ के कहे लड़के से. मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, शादी करने नहीं. लेकिन आप उनसे प्यार भी तो नहीं करती ना? मैंने कहीं सुना था कि इंसान प्यार को नहीं ढूंढता, प्यार इंसान को ढूंढता है. पर मैं तो कभी घर से निकली ही नहीं, इसलिए मुझे लगा कि प्यार मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा. लेकिन कितनी अजीब बात है ना, प्यार तो आपको भी नहीं ढूंढ पाया. खैर, आज आपकी मीटिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक. ठीक से देख लिया? मैं कह रही हूं ना कि मैंने तेरी आगे वाली जेब में ही रखा था. मिला? ठीक है, तू आराम से अपना काम कर ले, मैं माँ की दवाइयां लेके लौटती हूँ. अब शाम को मिलते हैं. 8/3. Excuse me. Can you help me with this address? ये एड्रेस कहाँ पर पड़ेगा? ये यहाँ का नहीं है. दीदी, वही रणवीर साहब आए और देव साहब को पूछ रहे हैं, कहते हैं कि उन्होंने बुलाया है. उन्हें बोलो साहब घर पे नहीं है. मैंने कहा, उन्होंने कहा कि देव साहब से बात हुई है और वो अभी घर पहुंच रहे हैं. ठीक है, अंदर भेजो उन्हें. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ? लेकिन आपने तो कहा था ये एड्रेस यहाँ का है ही नहीं. मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? आप गलत समझ रही हैं, ऐसा बिल्कुल. हाय रणवीर. हाय सर. घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सर. नेहा से मिल चुके हो? नेहा तुम्हारी इंग्लिश की टीचर है, आज से तुम्हें इंग्लिश सिखाएंगे. हफ्ते में 3 दिन आएंगे, 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने बाद तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगी. बस कीजिए भाई, एक मिनट के लिए अगर आप चुप हो जाएंगे तभी आप किसी की बात सुन पाएंगे. लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी बात कहनी है और अपनी ही सुननी है. मैंने आपसे कब कहा कि आप मेरे लिए इंग्लिश टीचर लगवाइए? और मेरी जिंदगी का फैसला आपने किससे पूछ के लिया? नेहा. माँ. सॉरी रणवीर. दैट्स ओके सर. मैं कॉल करता हूँ आपको. श्योर. माँ, मैं समझाता हूँ उसे. भाई अपने आप को समझते क्या है? घर के सारे फैसले तो लेते ही हैं. अब अपनी जिंदगी भी अपनी नहीं रहेगी क्या? बच्ची थी तो कभी मर्जी नहीं की अपनी, क्योंकि हालात ऐसे थे. अब जब बड़ी हो गई तो भी अपनी मर्जी थोपते रहते हैं मुझ पे. ये घर ही अजीब है. यहाँ भाई के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोल दो ना तो घर वाले नहीं, यहाँ की दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं. मुझे इंग्लिश नहीं आती थी कि मैं जाहिल हूं? मैं अपने फैसले खुद नहीं ले सकती क्या? इंग्लिश सीखना क्या इतना जरूरी है? नेहा, पर्सनली मुझे नहीं लगता, लेकिन जरूरी ये है कि तुम्हें क्या लगता है. अगर तुम्हें इंग्लिश सीखने का मन नहीं है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मन है तो सीखने में क्या प्रॉब्लम है?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.